टोल बूथ पर एक कर्मचारी आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके आगे एक टेबल है जिस पर कंप्यूटर भी है। वो इधर उधर देखता है, तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसका उसे भी अंदाजा नहीं होता। पलक झपकते ही टोल बूथ हिलने लगता है, मानो जबरदस्त भूकंप आ गया हो। धरती कांप उठती है और जो कर्मचारी थोड़ी देर पहले बड़े आराम से कुर्सी पर बैठा होता है, वो जोर से जमीन पर गिर जाता है। कुर्सी दूर जा छिटकती है, टेबल पर रखा कंप्यूटर भी तिरछा हो जाता है। टोल कर्मी खड़ा होकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर माजरा क्या है। सीसीटीवी में ये पूरी घटना तो कैद हो गई, लेकिन समझ नहीं आता कि टोल बूथ पर झटका कैसे लगा। उसने देखा कि बाहर एक ट्रक था जिसने टोल बूथ पर जोरदार टक्कर मारी थी। हालांकि सीसीटीवी में ट्रक की तस्वीर सामने नहीं आई है। इस हादसे में टोल कर्मी को गंभीर चोट भी लगी है, लेकिन उसके साथ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी रही कि ट्रक अंदर नहीं घुसा और उसकी जान बच गई। कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा की यह घटना है। केन्या में बाढ़ से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसी दौरान पानी बढ़ने से एक युवक सैलाब के बीच टापू में फंस गया। युवक नदी में मछली पकड़ने गया था, तभी पानी का तेज बहाव आया और वो वहां से निकल नहीं पाया। युवक के टापू में फंसने के बाद वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया। युवक को तुरंत मदद की दरकार थी, तभी एक हेलीकॉप्टर आसमान में मंडराया। ये देखकर युवक का हौसला भी बढ़ गया। हेलीकॉप्टर टापू के पास लैंड हुआ, जिसके बाद युवक हेलीकॉप्टर में सवार होने के लिए आगे बढ़ा। इस तरह उसका रेस्क्यू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन देख रहे लोग भी खुशी से झूम उठे। हैदराबाद में सड़क पर चल रही एक कार अचानक आके गोले में तब्दील हो गई। बंजारा हिल रोड पर यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। आग लगने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन जब तक पुलिस की टीम पहुंचती तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया था। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कार पंजागुट्टा इलाके की तरफ जा रही थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बर्फीले तूफान ने कहर मचा दिया। कुपवाड़ा के तंगधार में सेना के कई जवान एवलांच की चपेट में आ गए, जिसके बाद सेना के दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कुछ जवानों का तो रेस्क्यू किया गया, लेकिन 3 जवानों के अभी भी लापता होने की खबर है। सेना का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हेलीकॉप्टर की भी मदद ली जा रही है, लेकिन बर्फ ज्यादा होने से रेस्क्यू के काम में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। रेस्क्यू किए गए जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे बर्फीले तूफान की आशंका बनी रहती है। पिछले महीने नवंबर में 3 एवलांच आए थे, जिनमें 6 जवान शहीद हो गए थे। दमन से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से एक बच्ची गिर गई, लेकिन नेट होने की वजह से बच्ची दूसरी मंजिल में ही अटक गई। बच्ची को नेट पर लटकते देख मौके पर मौजूद लोग सन्न रह गए। नीचे सड़क पर लोगों का जमावड़ा लग गया। अचानक बच्ची नेट से नीचे गिरी और नीचे खड़े लोगों ने बड़े आराम से बच्ची को सुरक्षित लपक लिया। बच्ची की किस्मत अच्छी थी, जो ऊंचाई से गिरने के बाद भी बाल बाल बच गई। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। सोशल मीडिया में इस घटना की खूब चर्चा हो रही है। बचाने वाले लोगों की जमकर तारीफ की जा रही है। बच्ची के माँ बाप के लिए ये घटना किसी चमत्कार से कम नहीं है। बच्ची को नई जिंदगी मिलने से माँ बाप काफी खुश हैं। नागरिकता संशोधन बिल को आज केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। संसद के शीतकालीन सत्र में मोदी सरकार नागरिकता संशोधन बिल को पारित करवाने की कोशिश में है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद नागरिकता संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा। बिल में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए अवैध अप्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, बशर्ते कि वो गैर मुस्लिम हो। बिल का फायदा इन देशों से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को मिलेगा, लेकिन देश भर में खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों में इस बिल को लेकर विरोध तेज हो रहा है। मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने असम भवन में नॉर्थ ईस्ट के नेताओं से इस मुद्दे पर मुलाकात की। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कैप का ऊपर चर्चा किया, सब संगठन का बात सुना। मेरा लगता है कि काफ़ी सारा कन्फ्यूजन दूर हुआ है। कुछ समस्या अभी भी है, लेकिन समस्या का साथ कोई समस्या समाधान भी आएगा। और मेरा ये उम्मीद भी है कि गृह मंत्री जी का जो भाषण होगा, वो भाषण सुनने का बाद और कैप का जो नया ड्राफ्ट होगा, ये ड्राफ्ट देखने का बाद और जो कंफ्यूजन कुछ रह भी गया होगा, वो भी दूर हो जाएगा। नागरिकता संशोधन बिल साल 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था, हालांकि बिल राज्यसभा में नहीं जा सका। लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से बिल भी खत्म हो गया। गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि साल 2024 तक देश में एक भी घुसपैठिया नहीं रहेगा। आईएनएक्स मीडिया केस में कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 नवंबर को इस मामले में चिदंबरम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में 28 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी हुई थी और 4 दिसंबर को फैसला सुनाने के लिए कहा गया था।
चिदंबरम को पहली बार 21 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 22 अक्टूबर को जमानत दे दी थी। फिर ईडी ने उन्हें 16 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया। हैदराबाद गैंगरेप और हत्या के बाद पूरा देश गुस्से में है। आरोपियों को कठोर सजा देने की मांग उठ रही है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के विरोध में और इसको रोकने के लिए सख्त कानून की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू किया है। स्वाति ने मंगलवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया था। पुलिस ने उन्हें अनशन दूसरी जगह करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक शाम 5 बजे के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की मनाही है, लेकिन स्वाति नहीं मान रही थी। रात होते होते दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटाकर राजघाट के पास पहुंचा दिया। हैदराबाद की झकझोर देने वाली घटना के विरोध में देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। देश भर में जहां महिलाओं पर अपराध बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं यूपी के हरदोई में पुलिस की मुस्तैदी भी सामने दिखी है। दरअसल पुलिस अधीक्षक को रात की गश्त के दौरान सुनसान सड़क पर एक लड़की मिली जो होटल में नौकरी कर अपने घर को अकेले लौट रही थी। तभी एसपी ने उसे रोका और अकेले जाने का कारण पूछा। इसके बाद एसपी साहब लड़की को अपने साथ उस होटल में ले गए जहां वो काम करती थी। होटल प्रबंधन को इतनी रात में अकेली लड़की को छोड़ने पर कड़ी फटकार लगाई और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हिदायत भी दी। एसपी और होटल प्रबंधन के बीच हुए इस वाक्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। राजधानी पटना से मर्डर की खौफनाक तस्वीरें आई हैं। दिन दहाड़े घर में घुसकर बदमाशों ने कारोबारी को गोली मार दी। इस वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। साफ दिख रहा है कि दो बदमाश दुकान के अंदर दाखिल हुए और कारोबारी की हत्या करके फरार हो गए। दुकान के अंदर मौजूद कर्मचारी ने शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर उसे भी डरा दिया। दुकान के मालिक ने बदमाशों से भिड़ने की कोशिश की तो दूसरे बदमाश ने उसे गोली मार दी। बदमाश गले में रखा पैसा अपने साथ ले गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर अपराधियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। साथ ही साथ मौके पर मिले सबूतों के आधार पर पूरी घटना की जाँच में लगी है। यूपी के चंदौली में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। इस खूनी झड़प में जमकर लाठी डंडे चले। एक युवक के सिर पर लाठी से हमला किया गया जिससे उसका सिर फट गया। मारपीट की इस घटना में 9 लोगों के घायल होने की खबर है। मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक खेत में मेड़ को लेकर विवाद बढ़ गया। घटना में घायल सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार की यह घटना नौगढ़ थाना इलाके के रिठिया गाँव की है। मध्य प्रदेश के देवास से पुलिस की अनोखी पहल का वीडियो सामने आया है, जहां पुलिस बदमाशों को शहर के बीचों बीच बाजार से कान पकड़कर घुमा रही है। तस्वीरों में 8 बदमाश कान पकड़कर चलते दिख रहे हैं। इसके पीछे पुलिस का इरादा बदमाशों का हौसला तोड़ने की है, पुलिस के प्रति लोगों में भरोसा जगाना है। देवास में दबंग और गुंडा प्रवृत्ति के लोगों से दहशत का माहौल है। आम जनता परेशान है और इस वजह से आम लोग पुलिस की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, लेकिन कोतवाली पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकालकर उनका खौफ खत्म करने की कोशिश की है। लोगों में भरोसा जगाने का प्रयास किया गया है। हरिद्वार में आदमखोर तेंदुए का रिहायशी इलाकों में आने का सिलसिला लगातार जारी है। तेंदुए के आबादी वाले इलाकों में घूमने के वीडियो लगातार वायरल होते रहे हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें तेंदुआ सड़क पर चहलकदमी करता हुआ देखा गया है। तेंदुआ जंगल से सड़क पर आता है और उसे पार करते हुए दूसरी तरफ चला जाता है। वीडियो हरिद्वार बाईपास रोड का बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। हरिद्वार में गुलदार ने आतंक मचाया हुआ है। कुछ दिन पहले ही वो 2 लोगों को अपना शिकार बना चुका है, लेकिन वन विभाग गुलदार को पकड़ने में अभी तक नाकाम रहा है। शाम होते ही स्थानीय लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। तेंदुए के न पकड़े जाने से लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। यूपी के जालौन में एक मोटरसाइकिल पर बैठे कोबरा का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार सड़क से गुजर रहा था, तभी उसे बाइक में कुछ हलचल सी महसूस हुई। उसने देखा है कोबरा बाइक पर चढ़ चुका है। बाइक सवार तुरंत बाइक से उतरा और अपनी जान बचाई। 2 घंटे तक कोबरा बाइक पर कब्जा जमाए रहा। इतने में सड़क से गुजर रहे लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। अब सवाल था कि कोबरा को बाइक से कैसे हटाया जाए, क्योंकि कोबरा ने अपना फन फैलाया हुआ था। इस वजह से कोई शख्स कोबरा के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 2 घंटे के बाद काफी कोशिशों के बाद कोबरा बाइक से नीचे उतरा और सड़क से खेत की तरफ चला गया। ये देखकर बाइक सवार ने भी राहत की सांस ली। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 4 आरोपियों पर एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप का आरोप है। पुलिस के स्टिकर लगी गाड़ी से चारों बदमाशों ने नाबालिग को अगवा किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फोन कर लड़की को बुलाया था। नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। तब जाकर घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने पीड़ित को आरोपियों के कब्जे से छुड़ाया। लड़की के घर वालों की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण मौका मुआयना किया गया है
चारों नामजद अभियुक्तों को हिरासत में लेकर के मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। आयकर विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बेनामी संपत्ति को लेकर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के कालेधन का पता चला है। आईटी विभाग ने दिल्ली एनसीआर में एक रियल एस्टेट कंपनी के 25 ठिकानों पर छापेमारी करके दस्तावेज जब्त किए। कंपनी के कैश लेजर में 250 करोड़ रुपए के कालेधन की होने की जानकारी मिली। इसके साथ ही अलग अलग ठिकानों से जब्त किए गए दस्तावेजों में कुल 3,000 करोड़ के कालेधन का पता चला। दावा किया जा रहा है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने बेनामी संपत्ति होने की बात कबूल ली है। इस संपत्ति पर टैक्स अदा नहीं किए जाने की बात कही जा रही है। छापेमारी के बाद कंपनी के 32 बैंक लॉकर्स को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और माइनिंग का काम करती है। हालांकि अभी सीबीडीटी ने कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया है। बेनामी संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश भर में लगातार कार्रवाई कर रहा है। विश्व दिव्यांग दिवस पर मध्य प्रदेश के मुरैना में क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगों ने व्हीलचेयर के साथ क्रिकेट मैच खेला। ये मैच मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच 12-12 ओवरों का खेला गया, जिसमें राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 12 ओवर में 158 रन बनाए। हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश के धुरंधर मात्र 122 रन ही बना पाए। राजस्थान की टीम ने इस मैच को 36 रनों से अपने नाम किया। वहीं 97 रनों की धुआंधार पारी खेलने वाले राजस्थान के कप्तान रहमान खान को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। मैच के बाद खिलाड़ियों को पुरस्कार दिया गया। मैच देखने के लिए काफी लोग मौजूद थे। आज भारतीय नौसेना दिवस है। हर साल की तरह इस बार भी नेवी डे पर सेलिब्रेशन की पूरी तैयारियां हैं। नेवी डे से पहले भारतीय नौसेना के जवानों ने विशाखापत्तनम में अपने दमखम का परिचय दिया। साल 1971 में 4 दिसंबर के दिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के 3 जलपोतों को युद्ध में नेस्त नाबूद कर दिया था। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत कराची बंदरगाह पर पाकिस्तान के जलपोतों को तबाह करके समुद्र में डुबो दिया था। पाकिस्तान के 500 से ज्यादा नौसैनिक मारे गए थे। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। इस ऑपरेशन में पहली बार मिसाइल बोट्स का इस्तेमाल किया गया था। उसी वीरता को याद करते हुए भारतीय नौसेना हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाती है। इराक में सरकार विरोधी आंदोलन लगातार जारी है। रोज सड़कों पर हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। पिछले एक महीने के दौरान सैकड़ों लोग हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। हिंसा में आम लोगों के मारे जाने से बसरा की सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतर आए, हाथ में झंडे और ताबूत लेकर विरोध जताया। हिंसा में मारे गए छात्रों की तस्वीरें भी प्रदर्शनकारियों के हाथ में थी। इस प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में महिलाएं और लड़कियां भी शामिल हुई। पुलिस फायरिंग में एक महीने में 400 से ज्यादा छात्रों की जाने गई हैं। 8,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। क्रिसमस का त्यौहार बेहद नजदीक है। ऐसे में अमेरिका में क्रिसमस के जश्न के लिए लोग बहुत उत्साहित हैं। अमेरिका का व्हाइट हाउस भी क्रिसमस के रंग में रंगा नजर आ रहा है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप ने व्हाइट हाउस में की गई खास सजावट से दुनिया को रूबरू कराया। वो क्रिसमस ट्री के पास गुजरती दिख रही है। इस बार व्हाइट हाउस में स्पिरिट ऑफ अमेरिका की थीम है, जिसको अद्भुत लाइटिंग के जरिए सजाया गया है। खूबसूरत फूल भी सजावट में इस्तेमाल किए गए हैं। मेलानिया ने कहा कि देशभक्ति के इस खूबसूरत प्रदर्शन को साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है, सभी के लिए उत्साहित हूँ। व्हाइट हाउस को सजाने के लिए 200 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने काम किया है।